Hello and welcome to Shivangi Education. In this video, we'll talk about the topic is Aleurolobus barodensis. Aleurolobus barodensis is also known as sugarcane white fly. Aleurolobus barodensis is a zoological name, means scientific name. Sugarcane white fly is a common name. Important topic है BSc final year के लिए, तो हम इस topic को शुरू करते हैं serial wise. फर्स्ट पॉइंट है सिस्टेमैटिक पोजीशन. सिस्टेमैटिक पोजीशन के अंदर हम पढ़ेंगे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज. फाइलम इज आर्थ्रोपोडा. गाइस, आप भी जानते हैं जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं. क्लास इज इंसेक्टा. ऑर्डर इज हेमिप्टेरा. जितने भी बग होते हैं वो ऑर्डर हेमिप्टेरा से बिलोंग करते हैं. सुगरकेन वाइट फ्लाई एक बग है. जीनस इज एल्यूरोलोबस. स्पीसीज इज बारोडेंसिस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मींस ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है. सुगरकेन वाइट फ्लाई इज फाउंड इन ऑल ओवर इंडिया बट इज मोर प्रेवेलेंट इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा एंड पंजाब. सुगरकेन वाइट फ्लाई पूरे भारत में पाया जाता है, लेकिन ये भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, हरियाणा में और पंजाब में पाया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है होस्ट प्लांट. इट्स मेन होस्ट प्लांट इज सुगरकेन बट इट आल्सो फीड ऑन वीट, बार्ली, सरकंडा एसेट्रा. सुगरकेन वाइट फ्लाई का मेन होस्ट प्लांट है सुगरकेन, मींस गन्ना. नाम से पता चल रहा है ये गन्ने को डैमेज करता है, मींस ये गन्ने को खाता है, लेकिन ये गन्ने के अलावा वीट को, बार्ली को, सरकंडा को भी फीड करता है. सरकंडा को हिंदी में सरपत कहते हैं और सरपत की पत्तियाँ पतली और लंबी होती हैं. नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन, मींस ये देखने में कैसे होते हैं. अडल्ट आर स्मॉल, फ्रेजाइल एंड पेल येलो इन कलर. फ्रेजाइल मींस होते हैं ये इजीली डैमेज और टूट जाते हैं. जो अडल्ट होते हैं वो छोटे होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, मींस ये इजीली डैमेज और टूट जाते हैं और हल्के पीले रंग के होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन के अंदर इट हैज़ प्रोमिनेंट ब्लैक आई. इसकी आंखें मेनली ब्लैक होती है. प्रेजेंस ऑफ टू पेयर ऑफ व्हाइटिस विंग हैविंग ब्लैक डॉट. टू पेयर ऑफ व्हाइटिस विंग्स होते हैं और उन विंग्स पर ब्लैक डॉट प्रेजेंट होते हैं. आप इस डायग्राम में ऑब्जर्व करें, टू पेयर ऑफ व्हाइटिस विंग्स होते हैं और इन विंग्स पर ब्लैक डॉट प्रेजेंट होते हैं. फीमेल इज लार्जर एंड मोर रोबस्ट देन द मेल. जो फीमेल होते हैं वो लार्ज होते हैं और मोर रोबस्ट होते हैं, मींस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी होते हैं मेल बग से. देन उसके बाद है लाइफ साइकिल ऑफ एल्यूरोलोबस बारोडेंसिस. गाइस, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इसकी लाइफ साइकिल नहीं है. मैं भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हूँ, लेकिन अदर स्टेट स्टूडेंट के लिए मैं इसकी लाइफ साइकिल भी कराऊंगी. तो इट्स लाइफ साइकिल इज़ कम्प्लीट इन फोर स्टेज. इसकी लाइफ साइकिल चार स्टेज में कम्प्लीट होती है. फर्स्ट इज एग, सेकेंड इज लिम्फ, थर्ड इज प्यूपा एंड फोर्थ इज अडल्ट. एग के अंदर हम पढ़ेंगे एग कितने नंबर में ले करती हैं, किस तरह से और कहाँ पर लगे रहते हैं, एग की शेप क्या है, कलर क्या है और एग कितने दिन में हैच होकर, मींस फूट कर लिम्फ में चेंज होते हैं. तो देखो, फीमेल ले अबाउट 60 to 70 एग. जो फीमेल होते हैं वो लगभग 60 से 70 नंबर में एग ले करती हैं. एंड दैट आर क्लूड ऑन द लोअर सर्फिस ऑफ द सुगर केन लीफ इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर. जो एग होते हैं वो गन्ने की पत्ती की निचली सतह पर चिपके होते हैं. क्लूड मीन्स होता है चिपके होते हैं नवंबर एंड दिसंबर के महीने में. किस तरह से चिपके होते हैं, एक लाइन में, मीन्स एक सीधी कतार में ये चिपके होते हैं. एग ओवल शेप के होते हैं, येलोइश कलर के होते हैं और ये चेंज होते हैं लिम्फ में.
ठीक है एवरीवन। नेक्स्ट पॉइंट है लिम्फ। आफ्टर 8 to 10 डेज ऑफ लेइंग, लेइंग के 8 से 10 दिनों के बाद एग हैच इनटू 0.36 मिलीमीटर लॉन्ग लिम्फ। जो एग होते हैं वो हैच होते हैं, मींस फूट जाते हैं 0.36 मिलीमीटर लॉन्ग लिम्फ में। कहने का मतलब ये है लेइंग के 8 से 10 दिनों के बाद जो एग होते हैं वो लिम्फ में चेंज होते हैं, और उस टाइम लिम्फ की जो साइज है वो 0.36 मिलीमीटर होती है। लिम्फ आर पेल येलो इन कलर। जो लिम्फ होते हैं वो हल्के पीले रंग के होते हैं। लिम्फ सक द सैप ऑफ द सुगर केन लीफ। लिम्फ गन्ने की पत्तियों का रस चूस लेते हैं। द लिम्फ अंडरगोज 4 माउल्स एंड चेंज इनटू प्यूपा। लिम्फ में 4 माउल्स होते हैं और ये चेंज होते हैं प्यूपा में। नेक्स्ट स्टेज है प्यूपा। प्यूपल स्टेज लास्ट फॉर 8 to 10 डेज। जो प्यूपल स्टेज है वो 8 से 10 दिनों तक रहता है। प्यूपा चेंज इनटू अडल्ट। जो प्यूपा है वो अडल्ट में चेंज होते हैं। नेक्स्ट स्टेज है अडल्ट। आइडेंटिफिकेशन में हम अडल्ट को पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार मैं दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ। जो अडल्ट होते हैं वो छोटे होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, मींस ये इजीली डैमेज और टूट जाते हैं। हल्के पीले रंग के होते हैं और इसकी आँखें ब्लैक होती हैं। 2 pair of whitish विंग्स होते हैं और उन विंग्स पर ब्लैक डॉट प्रेजेंट होते हैं। जो फीमेल बग हैं वो लार्ज और स्ट्रॉन्ग होते हैं, मीन्स वो ज़्यादा रोबस्ट होते हैं। रोबस्ट का मतलब है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी होते हैं मेल बग से। जो फीमेल बग हैं वो लार्ज और स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी होते हैं मेल बग से। आगे देखो, लाइफ स्पैन ऑफ द अडल्ट इज अबाउट 2 days ओनली। जो अडल्ट की लाइफ स्पैन है वो लगभग 2 दिनों की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ डैमेज। लिम्फ ऑफ द सुगर केन वाइट फ्लाई इज द मेन डैमेज कोजिंग स्टेज इन द लाइफ साइकिल। सुगर केन वाइट फ्लाई की लिम्फ मेन डैमेज कोजिंग स्टेज है लाइफ साइकिल में। लिम्फ सक सैप फ्रॉम द लीफ बाय देयर पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। पियर्सिंग एंड सकिंग मीन्स होता है चुभाने और चूसने वाले। जो लिम्फ होते हैं वो गन्ने की पत्तियों का रस चूस लेते हैं चुभाने और चूसने वाले माउथ पार्ट के द्वारा। द डिसेप प्लांट टर्न पेल एंड वीक। जो डिसेप प्लांट होते हैं वो हल्के पीले और कमज़ोर हो जाते हैं। द बग आल्सो सिक्रेट ए स्वीट फ्लूइड कॉल्ड हनी ड्यू ऑन द लीफ। जो बग होते हैं मीन्स जो सुगर केन वाइट फ्लाई हैं, ये गन्ने पर एक मीठा फ्लूइड भी छोड़ती हैं जिसे हनी ड्यू कहते हैं। द हनी ड्यू एक्सक्रेटेड बाय द पेस्ट अट्रैक्ट ए फंगस विच इंटरफेरेंस विथ फोटोसिंथेसिस एंड एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ द सुगर केन क्रॉप। जो हनीड्यू की वजह से पत्तियों पर फंगस अट्रैक्ट करती हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में बाधा डालती हैं, जिससे गन्ने की फसल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों खराब होती है। एंड द सुक्रोज कंटेंट आल्सो डिक्रीज अप टू ए ग्रेट एक्सटेंट। और सुक्रोज कंटेंट की मात्रा काफ़ी हद तक घट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल, यानी कि इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो कंट्रोल में फर्स्ट पॉइंट है मैकेनिकल कंट्रोल। इन्फेस्टेड लीफ शुड बी कलेक्टेड एंड डिस्ट्रॉय बाय बर्निंग। जितने भी इन्फेस्टेड लीफ हैं, यानी कि जितने भी डैमेज लीव हैं, इन्हें इकट्ठा करके जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। बर्न ऑल द थ्रेश आफ्टर हार्वेस्टिंग द सुगर केन क्रॉप इन इन्फेस्टेड फील्ड। इन्फेस्टेड फील्ड में गन्ने की फसल की कटाई के बाद सभी थ्रेस को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। उसके बाद है केमिकल कंट्रोल, यानी कि इसको केमिकल से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट है क्लोरोपाइरीफोस 1.5% का यूज़ करना चाहिए। सेकंड है मेलेथियन 5% का यूज़ करना चाहिए। सो एवरीवन, ये था एल्यूरोलोबस वारोडेंसिस। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।